hi students i had asked you a question on cpc yesterday that there were two amendments 1999 and 2002 amendments of cpc they were challenged before which very important case in supreme court well the answer is that these are now almost landmark judgments it is salem advocate bar association versus union of india, 2003 supreme court. salam advocate bar association versus union of india, 2003 supreme court, may. the supreme court dealt in detail with all the amendments made by 1999 and 2002. basically, these amendments were made to, to, uh, to, to uh, ensure that the सिविल जस्टिस सिस्टम गोज इन 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 मच मोर स्पीडी वे हमारा सिविल जस्टिस सिस्टम नटोरियस था कि बहुत साल लेता है ये दोनों अमेंडमेंट्स ने उसको बहुत ज्यादा स्पीड अप किया उस स्पीड अप के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जो कम कर दिए गए टाइम के पीरियड्स कम कर दिए गए और इन्ही पॉइंट्स पे चैलेंज हुए थे कि दीज ये जो कार्ड दिए आपने इतने सारे पीरियड

इसको फाइनली डिसाइड करें और उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड करा गया तो फिर एक सेकंड केस आता है सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 पहला था 2003 का कमिटी बनी पूरा वापस डिसाइड पूरा डिटेल्ड एनालिसिस हुआ और फिर 2005 का हमारे पास ये दूसरा जजमेंट आता है सैलम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टू अब उसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हुआ कमेटी की रिपोर्ट्स भी देखी और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे जिनको मैं कहूंगा रीड डाउन किया और उसमें एक चीज जो बहुत ब्यूटीफुली सुप्रीम कोर्ट ने वापस रीटीरेट की जो एक एज ओल्ड प्रिंसिपल है और वो क्या है प्रोसीजर इज ऑलवेज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस जहां प्रोसीजर जस्टिस को खाना शुरू कर दे वहां प्रोसीजर को थोड़ा बहुत लचीला किया जा सकता है तो इसीलिए जब मैं आपको अभी CPC पढ़ाने ही वाला हूं थोड़े दिनों में, तो उसके अंदर कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने सालम एडवोकेट बार एसोसिएशन में कुछ सेक्शंस को रीड डाउन किया है so I hope everybody is clear about these answers.